वायरस से ठीक हो चुके रोगियों के लिए जिला अस्पताल में योगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला चिकित्सालय में पहले से ही पोस्ट कोविड मरीजों के लिए 7 ओपीडी चल रही थी। उसी कड़ी में अस्पताल प्रशासन ने योग के फायदे को देखते हुए 1 जून मंगलवार से जिला अस्पताल परिसर में ही योगा कैंप लगाकर योग एवं प्राणायाम के माध्यम से उनके सेहत को और बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि योग और प्राणायाम से कोविड मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसके साथ ही साथ उनका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए मंगलवार से पोस्ट कोविड मरीजों के लिए योगा कैंप की शुरुआत किया जा रहा है, जहां जिला अस्पताल के योगाचार्य संतोष कुमार गुप्ता द्वारा योग करवाया जाएगा। 2 शिफ्ट में ये योगा कैंप सुबह और शाम को संचालित होगा। इसमें पोस्ट कोविड मरीजों के साथ नॉर्मल लोग भी शामिल हो सकते हैं। योगासन के लिए आने वाले मरीजों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस दौरान वो अपने साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर आए। ये कैंप पूरी तरह निःशुल्क होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, पोस्ट कोविड से रिलेटेड हमारे 7 ओपीडी चल रही है। चेस्ट फिजिशियन बैठ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट बैठ रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बैठ रहे हैं, स्किन आई ENT ये तीनों विभाग भी साथ में बैठ रहा है और अपनी ओपीडी पोस्ट कोविड वालों के लिए ये चला रहे हैं। इसके साथ सभी को मुझे इस ज्ञान में देना है कि हम यहाँ पर योगा का अभ्यास भी कराएंगे। योगा के अभ्यास से ये सर्वविदित है कि इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ने के इसके 2 कारण होते हैं, एक तो मेंटल रिलैक्सेशन देता है और फिजिकल एक्टिविटी होती है। ये हम शुरू मंगलवार से शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो यहाँ पर डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता हैं, जो योगा प्रशिक्षक हैं, वो यहाँ पर इस कार्य को देखेंगे और सुबह 8 से 9 और सुबह शाम को 4 से 5 2 शिफ्ट में कराएंगे। इस रजिस्ट्रेशन में जो भी व्यक्ति पोस्ट कोविड का हो और उसको किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम हो कि सांस लेने परेशानी हो, शरीर में दर्द हो, एंजाइटी हो, सर में दर्द हो, इस सभी चीज़ के लिए योगा कराया जाएगा। सबका योगा अभ्यास अलग अलग है, वो प्रशिक्षक हैं, वो कराएंगे। साथ में जो नॉन कोविड के रहेंगे वो भी आ सकते हैं। उन दोनों के लिए हमने अपने लॉन में व्यवस्था की है और कोई जगह ऐसी मुझे नहीं दिखाई दे रही है मेरे चिकित्सालय में। लॉन में एक तरफ पोस्ट कोविड रहेंगे, एक तरफ नॉर्मल पब्लिक की व्यवस्था रहेगी। हमें उम्मीद है अधिक से अधिक लोगों की इसमें सहभागिता रहेगी। इसके इम्पोर्टेंस को हमारे पब्लिक समझेगी और योगाभ्यास के लिए आएगी। सर, इसके लिए कोई फीस चार्ज वगैरह नहीं? इसके लिए कोई फीस नहीं होगा। उनको अपना ID लाना होगा और ID लाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाँ, इस सबसे अनुरोध है कि कृपया वही लोग रजिस्ट्रेशन कराएं जो उसमें आ सकें, क्योंकि एक बैच में हम 30 से अधिक नहीं कर पाएंगे, 30 पोस्ट कोविड और 30 नॉर्मल मरीज जो पब्लिक है। नॉर्मल पब्लिक का भी इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि 3rd फेज में वो बचे रहें। विशेष अनुरोध उन माताओं से है जिनके बच्चे छोटे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 3rd फेज में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट अधिक होगा। यदि उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी तो कम से कम वह इन्फेक्ट होकर बच्चों को इन्फेक्ट संक्रमित नहीं करेंगे। माताएं बची रहेंगी, बच्चे संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों में संक्रमण हुआ तो उनके लिए जितने आसानी से हम लोग बड़ों का ट्रीटमेंट कर गए थे, बच्चों में ट्रीट करना एक टेढ़ी खीर होगी। इसलिए उनके लिए भी व्यवस्था रहेगी, आके योगाभ्यास कर सकती हैं।